हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे इसमें भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो याद रखिए, ये पार्ट मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें हम लोग भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान से संबंधित देखेंगे 700-800 के करीब, 800 के करीब क्वेश्चंस हैं, ठीक है? उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड से संबंधित, फिर उसके बाद बात करेंगे अन्य जनरल जो अवेयरनेस है, कंप्यूटर, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, इसी तरह के हम लोग वन डे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे, ठीक है? तो याद रखिए, आपका जो आईएएस पीसीएस के हिसाब से जो टेस्ट सीरीज है वो भी आ गई है, ठीक है? उसमें थोड़ा डिटेल उस हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए हैं और इसमें वन डे एग्जाम को नजर रखते हुए, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो आपको बता देना है, भरत चक्रवर्ती। क्या? भरत चक्रवर्ती। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपको याद रखना है मुंबई, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई। फिर आपको बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? याद रखना है आपको राजस्थान। कौन सा स्थान है याद रखना है आपको, यहाँ जनसंख्या के मामले में अगर पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है? और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से आपका पूछे तो राजस्थान पहले नंबर पर, जनसंख्या में कौन सा है उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपको बता देना है 28। याद रखिए 31 अक्टूबर 2019 को जब से लागू हुआ है जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम, क्योंकि उससे विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया जम्मू कश्मीर का, और दो भागों में बांट दिया गया जम्मू कश्मीर को, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है? तो अब 28 राज्य बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपको बता देना है गंगा, 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अभी लंबी नदी है गंगा और चौड़ी नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो याद रखना है कुतुब मीनार, ये किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपको याद रखना है हीरा कुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीरा कुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो आपको बता देना है जवाहर सुरंग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है भारत की? तो याद रखना है आपको यह है गोमतेश्वर, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो आपको याद रखना है 1916। कब? 1916, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है इनमें से? तो आपको याद रखना है यह है NSNDT महिला विश्वविद्यालय, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो याद रखिए यह हुआ था आपका मुंबई। कहाँ हुआ था? मुंबई में, ठीक है? सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
याद रखना आपको, कमलजीत संधू, कमलजीत संधू। क्वेश्चन नंबर 15, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? याद रखिए सी ऑप्शन सही होगा, बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस, तो याद रखिए किरण बेदी। कौन? किरण बेदी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? याद रखना है सरोजनी नायडू, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो याद रखना है आपको एम फतिमा देवी, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो आपको बता देना है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो याद रखना है आपको इंदिरा गांधी जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता देना है व्योमचंद बनर्जी, व्योमचंद बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिए रीना कौशल धरम सत्तू, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन सी है? तो याद रखना राजा हरिश्चंद्र, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद चंद कब निर्मित हुआ था? तो याद रखना है ये हुई थी आपकी 1913 में, कब? 1913, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का अंग्रेजी नाम का इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो याद रखना सिंधु शब्द से, सी ऑप्शन सही है। भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? तो आप बता देना है दूसरा नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? याद रखना है सिक्किम, कौन सा है? सिक्किम। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? किशन कन्हैया, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता है, तो याद रखना है सत्यजीत राय। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्रथम वायस राय कौन से हैं? तो आपको बता देना है लॉर्ड कैनिंग, कौन है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा क्वेश्चन नंबर 37, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं, तो याद रखना है आपको कौन है, सी ऑप्शन सही होगा, राजकुमारी अमृत कौर, सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, तो याद रखना है श्रीमती सुचेता किपलानी, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, तो आपको याद रखना है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं जेबी मावलंकर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय हैं, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय हैं, तो याद रखना विश्वनाथ आनंद, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, तो याद रखना द न्यूज टूडे। क्वेश्चन नंबर 43, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, तो याद रखिए मैथाली राज, ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टूडे कब शुरू हुआ, तो याद रखना है आपको 3 जनवरी 2003 को। क्वेश्चन नंबर 45, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश हैं, तो याद रखिए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला हैं, तो याद रखिए केजे ओदेसी। क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो आपको बता देना है मीरा कुमार, कौन, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, होम मिनिस्टर, तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 49, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं, तो याद रखिए सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर 50, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं, तो याद रखना डॉक्टर हरगोविंद खुराना, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं, तो आपको बता देना है अमृत सेन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51-52, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला है, तो याद रखना है मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है, तो याद रखिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम महिला चिकित्सक हैं कादम्बिनी गांगुली, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं, वह याद रखना है एक अनुपात एक, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरीय रंग क्या दर्शाता है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरीय रंग क्या दर्शाता है, तो इसका मतलब होता है ताकत
और साहस, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो आपको बता देना है गहरा केसरिया रंग, गहरा केसरिया रंग। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? तो याद रखना सफेद, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो याद रखना है हरा रंग, बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो याद रखिए 3:2, 3:2, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो आपको याद रखना है यह है शांति और सत्य का, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो विकास और उर्वरता को, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आपको बता देना है 24, 24। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो याद रखना मोर। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो याद रखना कमल। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो आपको याद रखना है बरगद। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान है जन गणमन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है भारत की? तो याद रखना है गंगा। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है आपका डॉल्फिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? याद रखिए हॉकी, क्या है? हॉकी। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सबसे अधिक कहां सौर ऊर्जा उत्पादन होती है? तो याद रखना राजस्थान। भारत में सबसे अधिक कहां सौर ऊर्जा उत्पादन होती है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? याद रखिए 6%। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो आपको याद रखना है 1990। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो याद रखिए 15 नवंबर 1983 को। क्वेश्चन नंबर 81, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए मुंबई में है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 82,
भारतीय सिनेमा के जनक 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 थे, भारतीय सिनेमा के जनक थे दादा साहब फाल्के। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में शिक्षा एक है, तो याद रखिए मूलभूत अधिकार, भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था? तो याद रखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 86, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो याद रखना है भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया, तो याद रखिए 2002 से, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो आपको याद रखना है गोदावरी, और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। ठीक, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है? याद रखना सोनपुर में, कहाँ? सोनपुर में। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 90, गिलोप पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको याद रखना है आठ, कौन से आठ? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो याद रखिए केरल में, केरल का लिंगानुपात सही है। ठीक, यहाँ पुरुष महिलाओं से कम है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा, भाखड़ा किस नदी पर है? तो ये है आपका सतलज, सतलुज नदी पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश आपका। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो याद रखिए 228 के करीब लगभग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाया जाता है, तो याद रखना है आपको हजारीबाग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूप के नाम रूर के नाम से पुकारा जाता है? दामोदर नदी घाटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना है पंजाब, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 99, शांति घाटी स्थित है, शांति घाटी स्थित है केरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, मदुरे कहाँ है? मदुरे कहाँ है? तो यह तमिलनाडु। तो चलिए, ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस। आगे बात करेंगे हम लोग 101 से, आगे बात करेंगे। ठीक है।